भगवान बुद्ध ने बोधगया में अपने जीवन की कुछ पल व्यतीत साथियों बोधगया निरंजना नदी तट के ऊपर स्थित है। इस स्थान पर सिद्धार्थ ने सम्यक संबोधि बुद्ध को प्राप्त किया था। यहां पर 160 फीट ऊंचा सम्राट अशोक द्वारा निर्मित महाबोधि माँ विहार है। इसके आसपास बुद्ध के शिष्यों ने अनेक चैती और मनौती स्तूप स्थापित है। वास्तुकला की दृष्टि से यह विहार संसार में बहुत ही अनुकूल और अति सुंदर प्रदर्शित होता है। महाबोधि महाविहार के पश्चिम में बौद्ध वृक्ष स्थित है, जिसके नीचे भगवान बुद्ध ने बैठकर सिद्धार्थ गौतम ने संबोधित को प्राप्त किया था और सम्यक संबुद्ध कहलाए थे। कहा जाता है कि बोध राज्य शासन ने बौद्ध वृक्ष को जला दिया था, इसकी जड़ों को नष्ट करने का कार्य किया था ताकि इसकी जड़ों से नए पौधे का निर्माण न हो। इतना होने पर भी बौद्ध वृक्ष के पौधे की जड़ों से नए पौधे का निर्माण हुआ। आज वो वृक्ष के रूप में खड़ा हुआ है। ऐसे वृक्ष की शाखा को सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा ने श्रीलंका में इस पौधे की शाखा को लेकर लगाई, जिससे अनुराधापुरी में बौद्ध वृक्ष का पौधा रोपित है किया, जो आज भी उसे युग की गौरव गाथा का वर्णन कर रहा है। महाबोधि माँ विहार के उत्तर में एक चबूतरा है, जिस पर बुद्ध की पद चिन्ह अंकित है। महाबोधि महाविहार के दक्षिण की ओर मुचलीप झील स्थित है। भगवान बुद्ध वहाँ पर जाकर स्नान किया करते थे। इसके अलावा तिब्बत, जापान, थाईलैंड, भूटान, मंगोलिया, श्रीलंका में वर्मन, चीन, कोरिया आदि बौद्ध देशों के अनेक बुद्ध विहार आकर्षण का केंद्र है। जापान द्वारा भगवान बुद्ध की पूरे रंग की पत्थर की एक 80 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की है, जो मूर्ति कल का उत्कर्ष नमूना है। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी लोग भगवान बुद्ध की इस कुछ पल के बीते हुए समय के साथ बोधगया विहार जाकर देखिए और वहां भगवान बुद्ध ने अपने कुछ जीवन के साथ साथ जैसे अपने पद चिन्ह और भगवान बुद्ध ने बौद्ध वृक्ष और भगवान बुद्ध की स्टेचू 80 फीट आदि बहुत सारी चीजों का निर्माण किया गया है।